एक यात्रा जो संसार रूपी झूठ से ब्रह्म रूपी सत्य की ओर ले जाने वाले साधन वेदांत की साधना की साक्षी बनी। आचार्य शंकराचार्य जी ने अपने ज्ञान के साथ संपूर्ण भारत में पैदल यात्रा कर विभिन्न मतों की छोटी छोटी जलधाराओं को वैदिक संस्कृति रूपी महासागर के अमृतपान से तृप्त किया। अलग अलग शैली के विद्वानों से शास्त्रार्थ कर उन्हें सनातन का उचित मार्ग प्रदत्त किया। वर्तमान परिदृश्य के मध्य प्रदेश शासन सांस्कृतिक विभाग का आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। अद्वैत जागरण शिविर या वेदांत यूथ रिट्रीट, ऐसे शिविर का आयोजन किया गया। ये 10 दिवसीय शिविर शिवानंद आश्रम अहमदाबाद में संपन्न हुआ। पूरे देश भर से, विश्व भर से 50 चयनित युवा इस शिविर में सम्मिलित हुए, जो अलग अलग पृष्ठभूमि से थे और सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं और रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। यहाँ अज्ञानता को दूर करने के लिए साधन बना तत्वबोध। इस साधन की साधना के लिए परम पूज्य श्री स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी ने सभी को आशीर्वाद दिया। गुरुवर आचार्य शंकराचार्य परंपरा के अभिन्न अंग हैं। अद्वैत जागरण संकल्पना स्वामी जी के श्रीमुख से ही संपूर्ण हुई। स्वामी जी हमें पढ़ाते हैं तो वो बहुत ही सिंप्लीफाई करके चीज़ों को पढ़ाते हैं, क्योंकि युवा जो है वो इतनी जल्दी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और उन्हें एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं, ऐसे एग्जाम्पल जिनसे वो रिलेट कर पाए। इस कैंप में अद्वैत का जो भाव है, जो जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी द्वारा प्रदत्त भाव है, उसके बारे में विस्तृत किंतु संक्षिप्त फॉर्म में बताया गया। यहाँ जाना कि वैदिक दृष्टिकोण वर्तमान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कहीं आगे है। यह सिर्फ आध्यात्म मात्र नहीं अपितु जीवन दर्शन है। हमने एक मत होकर यह माना कि सत्य सिर्फ ब्रह्म है, बाकी सब मिथ्या है। जीवन कर्मफल आधारित है। जीव जगत ईश्वर की वास्तविकता को गहराई से समझा। सुबह पूजा करवाई जाती थी, जिसमें पूजा के लिए एक व्यवस्थित रूप से पद्धति गुरुजी द्वारा बताई गई थी। गुरुजी स्वयं बैठकर सभी शिविरार्थियों के साथ समूह से समूह चलते हुए पूजा करवाते थे। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर वी लर्न चैंटिंग ऑल्सो, जप ऑल्सो, पूजा ऑल्सो। सो दीज आर द 3 बेसिक थिंग्स दैट वी कैन कनेक्ट विद द गॉड। From our heart to heart, we can connect with the God. So these are the basic necessity that we should include in our life. जीवन के प्रति विकृत समझ ही दुखों का कारण है। विचारों के शुद्धिकरण मात्र से दुख का अंत और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। आश्रम के इस सीरीन एनवायरनमेंट में हमने देखा कि हर चीज़ बहुत अच्छी है। हमने श्रम दान किया, जो भोजन को परसने का कार्य रहता था वो शिविरार्थियों के द्वारा ही किया जाता था। उसके बाद सभी जो शिविरार्थी हैं उनमें से सभी अपने बर्तनों को धो के रखना, व्यवस्थित रखना, प्रांगण की देखभाल करना, प्रांगण की सफाई करना, अपने रूम को व्यवस्थित रखना इत्यादि, स्वयंलंबी जिससे व्यक्ति बने इसका भी गुण यहाँ पे सिखाया जाता है। साथ ही होली का पावन पर्व भी इस शिविर का हिस्सा बना, जिसे बहुत उत्साह से मनाया गया। इसी यज्ञ में एक आहुति चिन्मय मिशन द्वारा भी दी गई। प्रतिदिन बहुत अनूठे ढंग से विभिन्न खेलों के माध्यम से जीवन दर्शन को पढ़ाया गया। एक्टिविटीज़ हम इसलिए कराते हैं क्योंकि एक तो ये यूथ है, तो यूथ को बैठे बैठे पढ़ाएं और सिर्फ सुनाएं तो वो नॉलेज तो मिल, इंफॉर्मेशन तो जाती है पर वो एसिमिलेट नहीं होती है। तो ये जो एक्टिविटीज़ है इसका पर्पज़ है कि वो जो नॉलेज हमें मिला है, इंफॉर्मेशन जो मिली है उसको हम असिमिलेट करें।
तो ऐसी एक परिस्थिति का निर्माण किया जाता है जहाँ पे जो लर्नर होते हैं वो स्वयं डिस्कवर करते हैं कि जीवन के उद्देश्य क्या है और इस एक्टिविटी में से हम क्या सीख रहे हैं। अद्वैत वेदांत दर्शन की इस यात्रा में एक दिन वह भी रहा जब पावागढ़ शक्तिपीठ ने हमें दर्शन का अवसर दिया। विशाल काय पर्वत के शीर्ष पर विराजमान माँ महाकाली के अद्भुत रूप के दर्शन मात्र से शक्ति का संचार हो गया। तदुपरांत अंतिम दिन जिस गुरु ने संसार से स्वयं तक की यात्रा अपना हाथ पकड़ा कर करवाई उनके श्री चरणों का वंदन किया गया। आशीर्वाद स्वरूप गुरु ने रुद्राक्ष की माला फल और धर्म साहित्य भेंट दिया। गुरु के चरणों में शीश झुकाते ही अज्ञानता रूपी अंधकार का अंत प्रारंभ हो गया। सभी ने अनुभव साझा किए और स्वामी जी से आशीष वचन प्राप्त किए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।